أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता दिनों मैं यूरोप के बाज़ ममालिक के दौरे पर गया था, जहाँ दो ममालिक हॉलैंड और फ्रांस के जलसे सालाना भी थे। इसके अलावा मसाजिद के इफ्तिताह और दूसरे प्रोग्राम गैरों के साथ भी होते रहे। फ्रांस में यूनेस्को की इमारत में तकरीब हुई जो वहाँ के इंतज़ामिया ने जिसकी इजाज़त दी थी और उनकी दावत पे की गई थी, जिसमें इस्लामी तालीमात बयान करने और इल्मी और साइंसी तरक्की में मुसलमानों के किरदार को बयान करने की भी तौफीक मिली। यूनेस्को यूएन का एक इदारा है जो तालीम, साइंस और कल्चर के फ़रोग़ के लिए कायम किया गया है। इसके कामों में प्रेस की आज़ादी, गुरबत का ख़ात्मा और विरसे की हिफाजत वगैरह के काम भी हैं। बहरहाल इनके इन्हीं कामों के हवाले से इस्लाम की तालीम और पहले मुसलमानों की इस बारे में खिदमात और उनका हिस्सा और जमातें के किरदार के बारे में उन्हें बताया। इसी तरह जर्मनी में बर्लिन में जो वहाँ का दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है, वहाँ सियासतदानों और पढ़े लिखे लोगों को इस्लामी तालीम और ये बात जो यूरोपियन लोगों के दिमागों में है, जो तस्वुर कायम हो गया है, ख़ास तौर पर जर्मनी और बाज़ ममालिक में ज़्यादा है, कि इस्लाम यूरोप के कल्चर और सिविलाइजेशन से मुताबिकत नहीं रखता। इसलिए इस्लाम को ना यहाँ आना चाहिए ना यहाँ आ सकता है। और ये भी कि इस्लाम यूरोप के लिए ख़तरा है। इस बारे में इस्लामी तालीम की रोशनी में बताया और बड़े पढ़े लिखे लोग, सियासतदान और डिप्लोमेट्स वगैरह भी थे वहाँ, बाज़ उन पर बड़ा मुस्बत रद्द-ए-अमल हुआ, इसका इजहार किया उन्होंने। इसी तरह दूसरी तकरीबात में भी इस्लामी तालीम और इस्लाम का तारुफ करवाने की तौफीक अल्लाह ताला ने अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलों को देखने का हर जगह मौका मिला। इस वक्त मैं मुख्तसरन मुख्तलिफ फंक्शनों पर जो बाज़ गैरों के तसरात थे वो बयान करूँगा। इससे ज़ाहिर होता है कि इन लोगों को इस्लाम की हकीकी तालीम समझने और अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का हर जगह मौका मिला। हॉलैंड में जलसे के दूसरे दिन वहाँ डच मेहमानों से भी मुखातब होने का मौका मिला। वहाँ 125 गैर मुस्लिम डच मेहमान शामिल हुए। नूनस्पेट जो हमारा मरकज़ है इस वक्त, वहाँ के काउंसलर ने अपने दास्तान बयान करते हुए कहा कि बहुत अरसा पहले मैं यहाँ आने को पसंद भी नहीं करता था, यानी जमात अहमदिया से ताल्लुक़ रखने को, मगर वक्त के साथ साथ ताल्लुक़ात अच्छे हो गए और यहाँ जब मैं वहाँ गया हूँ तो मेरे इस्तकबाल के लिए भी वहाँ आए हुए थे। फिर कहते हैं पहले ही मैंने सुना इमाम जमात अहमदिया को, दोबारा सुनना चाहता था। और ये सब बातें जो कहीं की हैं इनसे मैं बड़ा मुतासर हूँ, क्योंकि इससे लगता है कि जिस तरह एक गहरा बाहमी रिश्ता हमारा आपस में हो गया है। और आप लोग यानी जमात वहाँ की एक माशरे का फ़ाल हिस्सा हैं, और जो इस जलसे में शामिल हो गए इसमें मज़ीद मजबूती पैदा हुई। इसी तरह रोटरडम वहाँ एक शहर है, वहाँ से आने वाले एक मेहमान अमन मीचू साहब ने कहा कि जलसे पर आने से कबल मैं घबराया हुआ था कि इस जलसे पर मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, मगर यहाँ आकर बड़ी हैरत हुई कि अमन की बातें हो रही हैं। और जो बात मुझे आपकी तकरीर की सबसे अच्छी लगी तो ये थी कि बड़ी जुर्रत से बात की है। और फिर कहते हैं कि पोप अमूमी रंग में अमन की बात करता है, मगर उसने अहमदी दोस्त को कहा कि आपके खलीफा ने बरबना तौर पर ताकतवर कौमों को मुखातिब करके बात की है। फिर एक डच मियाँ बीवी थे जो शामिल हुए इसमें, वो कहते हैं कि जलसे का माहौल अजीब था, सब लोग खुश अखलाक थे, लगता था कि जन्नत नज़ीर माहौल है। और फिर तकरीर के बारे में मेरी उन्होंने कहा कि बड़ा इसका असर हुआ हम पे, और मुतर्जमीन ने भी बहुत मुतासर किया, बड़ा अच्छा तर्जमा साथ हो रहा था। ये मुतरजमीन पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह बयान करते हैं, इसलिए हमारे कोशिश ये करनी चाहिए तर्जमा के शोबे को MTA में तो करते ही हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में भी, कि तर्जमे सही रंग में होने चाहिए जब भी वहाँ फंक्शन और जलसे हों। एक मेहमान डेनी हार्किंग साहब इसमें शामिल हुए, कहते हैं कि मेरा तालीमी बैकग्राउंड है, 4 साल कबल मैं एक इदारे में मैंने डच ज़बान पढ़ानी शुरू की। यहाँ मेरी मुलाकात एक पाकिस्तानी फैमिली से हुई और वो ज़बान सीखने आया करते थे, ताल्लुकात बढ़े और उन्हें मैंने हर तरह से ताउन का यकीन दिलाया, और बच्चे भी उनके मुझे मिलते, हर हफ्ते मेरे साथ कुछ वक्त गुजारते। और इन बच्चों से ही मुझे जमात के बारे में इल्म हुआ। और फिर कहते हैं कि यहाँ मैं आया हूँ, बड़ा अच्छा मुझे महसूस हो रहा है, और आपके खलीफा भी अमन और बामी हम आहंगी की बातें करते हैं। कहते हैं कि मैं ख़ुद ईसाई हूँ और देख सकता हूँ कि आपकी जमात सिर्फ अहमदियों से ही नहीं बल्कि हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले से अच्छा बर्ताव करती है। ख़ासकर एक मुसलमान रहनुमा से ये बातें सुनना बड़ा मुतासर किया इसने मुझे, क्योंकि आजकल इस्लाम के बारे में गलत तस्वुरात मौजूद हैं। फिर ये कहते हैं कि आपने दुनिया में फैली बदअमनी का जिक्र किया है और अमन के क़याम की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। हम ज़मीन पर एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और हमें इस बारे में कोशिश करनी चाहिए कि हम सब मिलकर अमन का क़याम करें। फिर हॉलैंड में अलमेरे शहर में वहाँ मस्जिद बनाई है उन्होंने, दूसरी जो बाकायदा मस्जिद है उसका इफ्तिताह था। वहाँ अलमेरे चर्च के चेयरमैन हाजी साहब आए हुए थे, कहते हैं कि आपकी जमात का पैगाम अमन का पैगाम है आपके खलीफा ने अमन और मजहबी आज़ादी पर बहुत ही अच्छी तकरीर की है। अलमीरे में पहले कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स मिलकर अमन के साथ रहते थे और अब उम्मीद है कि अहमदी भी हमारे साथ मिलकर अमन के साथ रहेंगे। ये इनका तो कुछ चर्च के हवाले से भी बात करनी थी इन्होंने, वरना ये इनका इजहार है वहाँ के लोगों का अमूमन कि जो भी अहमदी वहाँ रहते हैं अल्लाह ताला के फज़ल से बड़े मिलजुल कर रहते हैं और बड़े पुरअमन लोग हैं। एक अरब मेहमान आए हुए थे ज़करिया साहब, कहते हैं बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा लगा मुझे और आपके खलीफा की तकरीर जो थी वो मैंने सुनी कि अगर हम अमन चाहते हैं तो फिर कि कहने लगेगा अगर हम अमन चाहते हैं तो इस तकरीर पर अमल करना चाहिए। फिर कहते हैं कि अरब होने के नाते ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम के शुरू में तिलावत कुरान करीम की गई जो इन मुल्कों में रहते हुए एक अजीब बात थी मेरे लिए और मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर एक लोकल मेहमान थी दीना साहिबा, कहती हैं बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया था ये फंक्शन और तकरीर मैंने सुनी बड़ी अच्छी थी। आपके खलीफा की औरतों के लिए भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम था और पहली दफ़ा मैं आई हूँ और अब मैं दोबारा मस्जिद आऊँगी और जमात की औरतों से दोबारा मिलूँगी और अपने तारुफ बढ़ाऊँगी। एक और लोकल मेहमान थे, कहते हैं कि ये पहला मौका है कि मैं मुसलमानों के इस किस्म के प्रोग्राम पर आ रहा हूँ। आने से पहले मेरे हमसाये ने कहा था कि बच कर रहना, मुसलमानों को कुछ पता नहीं कब क्या कर दें, लेकिन मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आपकी जमात के लोगों ने हमारा शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ख्याल रखा। फिर एक लोकल ख़ातून हैं एवलिन साहिबा, कहती हैं कि अफसोस की बात है कि दुनिया को इस्लाम की ये तस्वीर नहीं दिखाई जाती। आपकी जमात के लोग बहुत मेहनती हैं और मेहमान नवाज हैं। मैंने आज इस मस्जिद को पहली बार देखा है मगर मैं आइंदा भी यहाँ आना चाहती हूँ क्योंकि आपकी मस्जिद में मुझे सुकून मिला है। फिर फ्रांस का दौरा था, इसके बाद इस तरह बेशुमार हैं इनके तसरात, लेकिन बहरहाल चंद एक मैंने बयान किए। फ्रांस का दौरे था, वहाँ जलसा था और वहाँ भी इसी तरह गैर अहमदी गैर मुस्लिम मेहमानों के साथ नशिस्त थी जिसमें 75 के करीब मेहमान आए हुए थे। वहाँ एक मेहमान ख़ातून जो पेशे के एतबार से एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, कहती हैं कि जब खलीफा ने ये बात की कि वो फ्रांस में जो मुख्तलिफ हमले हुए हैं उनकी मजम्मत करते हैं तो उन्होंने वाजे कर दिया कि इस्लाम का ऐसे हमलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर कहती हैं कि इमाम जमात अहमदिया ने इस्लाम की जो हकीकी तस्वीर पेश की है इससे मालूम होता है कि मुसलमान आसानी से मगरबी दुनिया में इंटीग्रेट हो सकते हैं। और कहने लगेंगे जो कहते हैं कि मगरबी दुनिया में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है, मुसलमान वहाँ मिलकर नहीं रह सकते, वो गलत कहते हैं। ऐसे लोगों को आज की तकरीर सुननी चाहिए थी। फिर गैर अहमदी थे, उनका ताल्लुक़ ईरान से था, मुर्तज़ा साहब, कहते हैं कि उन्हें आज अहमदिया जमात और खलीफतुल मसीह के स्टेटस का इल्म हुआ पहली दफ़ा। लोग दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं, आपके खलीफा ने आज इन सब का ज़बरदस्त जवाब दिया है। मुसलमानों की हालत ऐसी है कि उनको तो अपने अक़ीदे और ईमान के बारे में इल्म ही नहीं है और इन लोगों को आपके खलीफा से इस्लाम सीखना चाहिए। और असल बात तो यह है कि ज़माने के इमाम मसीह मौद और महदी मौद से जुड़कर ही इस्लाम की तालीम का हकीकी पता लगता है और जब तक इन मुसलमानों को इस बात का इदराक नहीं होगा कि इन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की बैत में आना है तब तक इस्लाम का सही हकीकी इस्लाम का पता लग भी नहीं सकता। बहरहाल ये कहते हैं कि खलीफा ने आज वादे कर दिया है कि जहाद असल में क्या है और किस तरह इसकी गलत तशरीहात की जा रही हैं। खलीफा ने इस्लाम के इब्तदाई दौर के वाक़यात और आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वाक़यात पेश किए हैं उनसे साबित होता है कि इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह हिकमत के साथ इस्लाम को पैगाम सुना है। फिर मराकश से ताल्लुक़ रखने वाले गैर अहमदी मेहमान सुफियान साहब कहते हैं कि मुझे आज के ख़िताब से इस बात का अंदाज़ा हुआ कि आप लोग ही हकीकी और असल मुसलमान हैं और जो लोग कहते हैं कि आप मुसलमान नहीं हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं। मौलवियों ने जो मुझे बचपन से अहमदियों के बारे में सिखाया था वो सब झूठ था, लेकिन फ़्रांस में इस्लाम से और मुसलमानों से लोग डरते हैं। हमें पता नहीं था कि हम किस तरह इसका दिफा करें, किस तरह लोगों का डर और खौफ दूर करें। आज कहते हैं कि आपके खलीफा ने बहुत अच्छे तरीके से इस्लाम का दिफा किया है और ये भी जैसा कि मैंने कहा कि हकीकी इस्लामी तालीम हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की बैत में आने से ही पता लगती है। एक ईसाई मेहमान थे जैकब साहब, कहते हैं ऐसे प्रोग्रामों की दुनिया में बहुत ज़रूरत है। आपके खलीफा मुख्तलिफ़ अक़वाम और मज़ाहब में जो आपस के फ़ासले हैं उनको कम कर रहे हैं। उन्होंने हमें ये समझाया है कि जो दहशत गर्द हैं उनके सियासी मकासद हैं। मज़हब एक अच्छी चीज़ है, मज़हब से डरना नहीं चाहिए। खलीफा ने बार बार आज़ादी की बात की, यह फ़्रांस के लोगों के लिए एक नई बात है। फ़्रांस के लोगों में इस्लाम के बारे में बिल्कुल और सोच है। फिर एक मेहमान मैक्सिन ऑनफ्रेस जो थिंक टैंक में काम करते हैं कहने लगे कि आज मेरी ज़िंदगी का एक बहुत प्यारा दिन है जिसमें आपके खलीफा को बराह रास्त मैंने सुना और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि इस वक्त हम एक ऐसे अंधेरे दौर से गुज़र रहे हैं जिसमें नफ़रत पाई जाती है, लेकिन साथ हमें यह भी समझा दिया कि ये सब कुछ मज़हब की वजह से नहीं है और लोगों को इस्लाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। खलीफा ने जो ये कहा है कि मज़हब को शिद्दत पसंद लोगों ने हाईजैक कर लिया है और उसे अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इससे मुत्तफिक हूँ। और फिर कहते हैं कि इन्होंने इस्लामी तालीम की रूह से हमें समझाया कि हम आइंदा अपनी नस्लों के लिए किस तरह दुनिया को अच्छा छोड़ जा सकते हैं। और कहते हैं इसको ख़िताब को शाया होना चाहिए और हमें सबको मिलना चाहिए। ये थिंक टैंक के एक मेंबर हैं, उनका ये तबसरा है। फिर 8 अक्टूबर को यूनेस्को में जैसा कि मैंने जिक्र किया वहाँ तकरीब थी। इस तकरीब में 91 मेहमान शरीक हुए जिनमें यूनेस्को में माली के एम्बेसडर, फ़्रांस की वजारत ख़ारजा और दाखिला के हुकाम, मजहबी अमूर के मशीर, फ़्रांस की मजहबी अमूर की जो वजारत है उसकी मशीर, मज़हब के शोबे के डायरेक्टर, नेटो मेमोरियल के प्रेसिडेंट, मेंबर पार्लियामेंट, काउंसलर्स, मेयर्स और मुख्तलिफ़ हुकूमती इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और डायरेक्टर्स वगैरह शामिल थे। माली से यूनेस्को के एम्बेसडर उमर कैदा साहब ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि इमाम जमात अमन फैला रहे हैं, मैं आपको आपके अमन के पैगाम की वजह से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यूनेस्को एक ऐसी आइडियल जगह है जहाँ अमन की बात हो सकती है। और फिर अपने बाकी जज्बात का भी उन्होंने इजहार किया कि किस तरह हमें इस तकरीर से, ख़िताब से बहुत सारी बातें पता लगीं। और फिर कहते हैं कि यही वो चीज़ है जिसकी उम्मत मुस्लिमा को भी ज़रूरत है। ख़ुद मुसलमान ही हैं माली के रहने वाले, कहते हैं यही वो चीज़ है जिसकी उम्मत मुस्लिमा को भी ज़रूरत है। आलमी इंसाफ और हम आहंगी का जो तस्वर इमाम जमात ने पेश किया है दुनिया को इसकी अशद ज़रूरत है। फिर नेटो मेमोरियल के सदर मिस्टर ब्रैंटन ने कहा कि इस शामिल होकर अपनी खुशी का इज़हार किया, इस बात का इज़हार किया कि मैं शामिल हुआ। फिर कहते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस अहम और तारीख़ी थी, इससे अमन, रवादारी और अख़ुवत कायम हो सकती है। मेरी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमात अहमदिया के इमाम के पैगाम को सुनें। और फिर कहते हैं कि इनका ये हकीकी इस्लाम की बात करते हैं जो पुरअन और बर्दाश्त की तालीम देने वाला है। ये पैगाम शिद्दत पसंदों के अमल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमाम जमात इस अमन के पैगाम को फ़रोग देने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि एक ज़रूरी काम है, ये एक ज़रूरी काम है, ये इस अमन के काम को फ़रोग देना, और हम भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और फिर कहते हैं कि हमें से हर एक को अमन कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये काम हर सतह पर करना चाहिए और इसके लिए अपना अमली नमूना पेश करना चाहिए। फिर फ्रांस में माली से ताल्लुक़ रखने वाले कैथोलिक अफराद के एसोसिएशन के सदर दयालो साहब भी इसमें प्रोग्राम में शामिल थे। कहते हैं कि मैं पहले से अहमदियों के बारे में जानता था। तमाम मज़ाहब को पैगाम दूसरों तक पहुँचाना चाहिए जो आज हमें मिला। और ये तकरीर सुनकर मुझे लगा कि इतना प्यारा पैगाम है और इसकी मेरे दिल में इतनी ख्वाहिश पैदा हुई इसको सुनने के बाद कि मैं इस्लाम की तरक्की के लिए ख़ुद दुआ करूँ। ये कैथोलिक हैं। फिर कहते हैं कि अगर दुनिया में वो इस्लाम कायम हो जो इमाम जमात अहमदिया पेश कर रहे हैं तो दुनिया के सब मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जब दूसरों के जज्बात का एहतराम होगा तो हर जगह अमन कायम होगा। बाहमी एहतराम की बड़ी ज़रूरत है। हम में से हर एक अपने अपने दीन पर कायम है, लेकिन हमारा एक मुश्तरका अकीदा है और वो अल्लाह की ज़ात है। फिर एक मेहमान बर्नर्ड साहब कहते हैं कि हम टीवी पर इस्लाम के बारे में जो प्रोपेगेंडा सुनते थे आज उससे बिल्कुल मुख्तलिफ इस्लाम की तालीम पेश की गई है और यही हकीकी इस्लाम है। कहते हैं कि मैंने आज हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इल्म हासिल किया है कि किस तरह मदीने में बहुत आला माशरा कायम किया। मुझे आज पहली दफ़ा पता चला है कि इस्लाम ने इल्म के मैदान में कितना बड़ा हिस्सा लिया और दुनिया को इल्म दिया है। फिर फ्रांस की एक इंसानी हकूक़ की फेडरेशन के मेंबर हैं, उस प्रोग्राम में शामिल थे। कहते हैं कि ये तकरीर बहुत अच्छी और बहुत गहरी थी। बड़ी तफसील से इल्म की ज़रूरत और इल्म के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम का ज़िक्र किया। इल्म की तारीख़ में इस्लाम की खिदमत भी गिनवाई हैं आपने। ये बहुत दिलचस्प मालूमात थी। फिर सिटी कौंसिल के एक मेंबर प्रोग्राम में शामिल थे। ये कहते हैं कि वे कौंसिल में मुख्तलिफ़ नस्लों के माबैन तफरीक के ख़िलाफ़ काम करने वाले शोबे का इंचार्ज हूँ। और फिर कहते हैं कि ख़ासकर जो तकरीर में जो मैंने आज बातें सुनी इसमें ख़ास तौर पर जो आपने ख़वातीन को इल्म के यकसम मौक़े फ़राहम करने की बात की है और फिर बैनुल-मज़हब हम आहंगी की बात की है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर अफ्रीका के पसमानदा इलाके में तालीम और सेहत के हवाले से शुरू किए जाने वाले जमात के प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है। कहते हैं कि आम तौर पर जब फ्रांस या दीगर ममालिक में इस्लाम की बात होती है तो मुख्तलिफ़ ख़दशात का जिक्र होता है। माशरे में एक इस्लामोफोबिया है। ऐसे में इस्लाम के बारे में मुस्बत बातें सुनने को मिली हैं। बड़ी खुशी हुई है मुझे इस बात से। कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ आऊँ और देखूँ कि आपकी जमात क्या है और कैसे काम करती है और आपके बारे में मज़ीद इल्म हासिल करूँ। चुनांचे आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई। फिर कहते हैं एक और मेहमान हैं अलेक्जेंडर साहब। कहते हैं कि खलीफा ने अमन का पैगाम दिया और ये ख़िताब सच्चाई पर मुश्तमिल था। बड़ा खुल कर और वाज़ेह बात की आपने। मुझे लगता है कि अहमदिया जमात ने ग़ुलामी के मज़मून को वाज़ेह किया है। ये पैगाम बहुत शानदार है। मुसलमानों में से अहमदियों ने पैगाम पेश किया है जो एक छोटी सी जमात है। मेरी एक खातून जर्नलिस्ट थी, कहती हैं कि तकरीर सुनी, बड़ा अच्छी तकरीर थी। ख़ास तौर पर उनको हैरानी हुई किस हद तक इस्लाम ने दुनिया में तालीमी तरक्की की हुई है, इसमें मुसलमानों का कितना बड़ा किरदार है। और इसकी मिसालें भी दी आपने अपनी तकरीर में, और कुरान की भी मिसाल दी और आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मिसालें दी कि किस तरह उन्होंने एक अमन पसंद मुआशरा का क़याम फरमाया। कहती हैं कि आज मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है। फिर एक मेहमान मिस्टर बेजियो वली साहब हैं, एक चैरिटी के में काम करने वाले हैं। कहते हैं कि बड़ी अहम तकरीब थी, बड़ा उम्दा पैगाम था, एक तारीख़ी पैगाम था, एक ऐसा पैगाम था जिसको सारी दुनिया को सुनना चाहिए। इस खिताब से मेरा इल्म बढ़ा है और मुझे अमन की असल हकीकत और अहमियत का अंदाज़ा हुआ है। फिर स्ट्रासबर्ग में मस्जिद का अफ्ताह था, यहाँ फ्रांस से दूसरा एक शहर है जर्मनी के बॉर्डर पे स्ट्रासबर्ग, वहाँ तकरीबन 191 मेहमानों ने शिरकत की। इन मेहमानों में इलाक़ा की पार्लियामेंट की मेंबर थीं, 5 इलाक़ों के मेयर्स शामिल हुए, मुख्तलिफ़ मज़ाहब के नुमाइंदे थे, मुख्तलिफ़ एसोसिएशन्स के सदरान थे, मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल थे, और इर्द गिर्द के जो छोटे छोटे कस्बे हैं उनके लोग भी ख़ास तौर पर आए हुए थे, क्योंकि उन लोगों में काफ़ी इस्लाम के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ात और बल्कि नफ़रत पाई जाती है। जब आए हैं तो बिल्कुल उनका तासर मुख्तलिफ़ थे। मेंबर ऑफ फ्रेंच पार्लियामेंट हैं मार्टिन साहिबा, उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने एक भरपूर पैगाम दिया है, एक अमन का पैगाम, भाईचारे का पैगाम, और ये पैगाम तमाम दुनिया के लिए है। फिर कहती हैं कि अहमदी बहुत फ़ाल हैं, ये कुछ करके दिखाना चाहते हैं और इनके अमाल से उनका मोटो झलक रहा है। फिर कहती हैं कि कम लोग होंगे और आप लोगों से बैठ कर कहती हैं कि मैं दोबारा किसी वक्त आऊँगी जबकि यहाँ कम लोग होंगे और आप लोगों से बैठ कर तसल्ली से बात करने का मौका मिलेगा, फिर मैं आपकी अक़दार बेहतर तौर पर जान सकूँगी, और ये हमारे माशरे के लिए, उसकी बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर कहती हैं कि आपके खलीफा ने अमन की बात की है, बर्दाश्त की बात की है, फ़्रांस के लिए, फ़्रांस के शहरियों के लिए ये पैगाम बहुत अहम है। फ़्रेंच लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि जो इस्लाम हम मीडिया से जानते हैं वो मुख्तलिफ़ है, हमें इस असल और हकीकी इस्लाम को जानने की ज़रूरत है। फिर काउंसिल ऑफ बहरीन में एक शोबे के नायब सदर इस तकरीब में शामिल हुए थे, है वहाँ की काउंसिल ऑफ बहरीन। कहते हैं कि हमारे इलाके में तिब्बत से ताल्लुक़ रखने वाले बुद्ध मत का यूरोपियन सेंटर है। मैं मज़हब के बारे में जानता हूँ, ईसाईयत, यहूदियत, जूडो क्रिश्चन, बुद्ध मत वग़ैरह की खिदमत से बखूबी आगाह हूँ, लेकिन जो आज मैंने तकरीर सुनी है इसमें बड़ा मुतासर हुआ, क्योंकि ये आपके अल्फाज, एक तो आपके अल्फाज थे और एक आपका नज़रिया था, और वो ये था कि मोहब्बत सब के लिए, नफ़रत किसी से नहीं। आपने इस्लाम की भरपूर तस्वीर पेश की है। आजकल जैसा कि इस्लाम को समझा जाता है, आपने इसके बरखिलाफ इस्लाम की हकीकी तस्वीर पेश की है। आपके अल्फाज और आपके नज़रिए में बहुत मुताबिकत है। आप हर एक के लिए अपने दरवाज़े खुले रखने पर यकीन रखते हैं, और आज की तकरीब से मैंने यही सीखा है, और यही अमन का रास्ता है। फिर स्ट्रासबर्ग की मस्जिद के इफ्ताह पर एक युबा साहब और उनकी साथ खातून थीं, वो कहते हैं कि हमने आज की तकरीब के लिए, अल्बम की बीवी थी, हमने आज की तकरीब के लिए मौसूला दावत कबूल करने से कबल इंटरनेट पर आपकी जमात के मुतालिक मालूमात हासिल की। जमात अहमदिया की काविशों के बारे में जानकर हमने दिली मुशाशत से दावत कबूल की। और सबसे ज़्यादा हमें इस बात की खुशी हुई है कि यहाँ बैनुल मज़हबी मुफाहमत को फ़रोग़ दिया गया है और तकरीर में भी हुकूक़ इंसानियत और बिलखसूस हमसायों के हुकूक़ पर इस्लामी तालीम पेश की गई है। बस इस हमारी तकरीबात में जब आते हैं लोग तो इंटरनेट के ज़रिए से जमात की मालूमात भी हासिल करते हैं और वहीं उनको फिर इस्लाम की हकीकी तालीम के बारे में बहुत कुछ पता भी लग जाता है। एक मेहमान ने कहा कि मेरे लिए अपने जज्बात बयान करना मुमकिन नहीं है, मुझे इस्लाम की एक तंजीम का पहले बिल्कुल इल्म नहीं था। गली में मुझे बाज़ अफराद मिले जिन्होंने इस तकरीब में आने का कहा, मैंने इंटरनेट से कुछ मालूमात लीं और यहाँ आने का फ़ैसला किया और क्या ही अच्छा फ़ैसला था जो आज मैंने यहाँ सुना है। मैं इसकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकता। इस्लाम की ये शाख अमन पसंद शाख है, ये इस्लाम की असल तस्वीर है, ये ऐसा इस्लाम है जिसमें इंसानियत है, प्यार है, मोहब्बत है। अब मुझे मालूम हुआ है कि जो इस्लाम हमें बताया जाता है वो इस्लाम नहीं बल्कि कोई और शय है। मुझे अब मालूम हुआ है कि इस्लाम की अखलाकी तालीम ईसाइयत जैसी है। ये तो मजबूरन ये लोग कहते हैं, वरना बहुत सारे अपनी प्राइवेट मजलिसों में उन्होंने ये भी इजहार किया कि ईसाइयत की तालीम से बहुत बढ़कर है। फिर कहते हैं कि खलीफा की बातों से मुझे यकीन हो गया है कि यह गैरमामूली जमात है। फिर एक साहिब हैं जस्टिन, जो डिस्ट्रिक्ट कौंसल के प्रेसिडेंट हैं शहर के, कहते हैं कि शुरू में मेरे बहुत से खदशात थे। जब मेरे इल्म में ये बात आई कि यहाँ मस्जिद बनने वाली है, लेकिन जब मैंने आप लोगों का ये नारा सुना कि मोहब्बत सब से, नफ़रत किसी से नहीं, तो मुझे ये ख्याल हुआ कि आज की दुनिया में किस तरह हो सकता है कि कोई इतना प्यार से भरा हुआ नारा लगाए और उसे कबूल ना किया जाए। जमात अहमदिया तो दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ एक तलवार बन सकती है और अहम किरदार अदा कर सकती है। फ्रांस में अभी तक लोग जमात अहमदिया को इतना तो नहीं जानते, लेकिन शिद्दत पसंदी और मौजूदा मसलात के ख़िलाफ़ अहमियत के नुक़्ता नज़र को ही देखना चाहिए और इनके ज़रिए से जानना चाहिए। इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। फिर लोकिंजे साहब हैं जो एक शहर के मेयर हैं, कहते हैं मैं पहली बार मस्जिद में आया हूँ। अगर मस्जिद में आना ये चीज़ है जो मैंने आज देखी तो मैं रोज़ाना मस्जिद में आऊँगा। मुझे मस्जिद में आना इतना अच्छा लगा और सुकून मिला है कि मैं इसका बयान नहीं कर सकता। फिर वहाँ से जर्मनी गए हैं, 14 अक्टूबर को वहाँ मस्जिद वीज़बादन का इफ्ताह था और वहाँ एक हॉल में, मशहूर हॉल है वहाँ का, वहाँ इफ्ताह की तकरीब हुई। मस्जिद की अपनी शहर में जगह नहीं थी। इस तकरीब में जो शामिल हुए मेहमान की तादाद 370 थी और लॉर्ड मेयर वगैरह तो आए थे वहाँ, लेकिन लॉर्ड मेयर भी थे वहाँ, सूबाई असम्बली के मेंबर भी थे और मुख्तलिफ वजारतों और के हुकूमती नुमाइंदे भी थे। मुख्तलिफ हुकूमती शोबों के डायरेक्टर्स थे, पुलिस अफसर थे, चर्च के पादरी थे, प्रोफेसर थे, डॉक्टर वकला वगैरह मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। कैथोलिक चर्च के एक पादरी ने कहा कि इस तकरीर में जो आपने की है तमाम नुक्ता है नज़र बयान कर दिए हैं और मैं इनसे कामिल इत्तफ़ाक़ रखता हूँ। दूसरों से मोहब्बत करना और खुदा के हकूक़ अदा करना, ये सब बातें मेरी तालीम में भी हैं। इसी तरह मैंने आज तक इस्लाम के खुदा पर, कहते हैं आज तक मैंने इस्लाम के खुदा पर इतना गहरा और बसीत तबसरा नहीं सुना जो खुदा की वहदानियत के कामिल दावे के साथ उसी खुदाए वाहिद को दुनिया के तमाम मज़हब, ममालिक और इंसानी माशरों को पालने वाला खुदा करार देता है और अपनी खबरगिरी और खैर पहुँचाने के लिए अहल ज़मीन में अपने बेगाने और मज़हब व मिलत का इम्तियाज़ रवा नहीं रखता। फिर कहते हैं काश दुनिया के तमाम लीडरों को इस तरह की तकरीर, अगर ये तकरीर अमन के बारे में करें तो बड़ा अच्छा हो। फिर कहते हैं कि मैं जमात अहमदिया से अब राब्ते में रहना चाहता हूँ और मस्जिद देखने ज़रूर आऊँगा। ये ख़ुद इन्होंने एक तस्वुर कायम कर लिया कि इस्लाम का खुदा कोई और है और ईसाईयत का खुदा कोई और है, और जब उनको सही हकीकत बताई जाए तो बहरहाल मानने पर मजबूर होते हैं। फिर माइंस शहर से एक चर्च के नुमाइंदे शामिल हुए, कहते हैं कि हमसाया के हकूक़ के बारे में जो आपने कहा, जो इस्लामी तालीम तफसील के साथ पेश की है, ये मेरे लिए बिल्कुल नई और दिलचस्प थी, और किसी भी मजहबी शख्सियत से इस हद तक हमसाए के हक़ की ताक़ीद मैंने पहली बार सुनी है। फिर एक लॉ फर्म से आए हुए वकील थे, कहते हैं कि जमात अहमदिया की सोच की वसअत पर तो मैं, मेरा दफ्तर पहले भी हैरतज़दा होते थे, लेकिन आज हमसाए के हकूक़ जो आपने बयान किए हैं और हमसाए की तारीफ़ में जो वसअत बयान की है, तो शहर का शहर ही इस वसअत में समा गया है। इससे हमारी हैरत में मज़ीद इजाफा हुआ है। इसी तरह अहले शहर के लिए जमात अहमदिया के हमदर्दी और खबरगिरी का दायरा और वसी हो गया है। फिर एक मेहमान जो टीचर हैं, सुसनैन साहिबा हैं, कहती हैं जो बात मुझे इस खिताब में सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि हम सब इंसानों का खालिक एक ही है और हम सब एक ही खुदा पर ईमान लाते हैं। ये बात हम सब को हमेशा याद रखनी चाहिए। फिर एक ख़ातून वनी साहिबा हैं, इनका ताल्लुक़ डाइग्रून पार्टी से है, जो शहर वीज़बादन के पार्लियामेंट में शोबा इंटीग्रेशन के में काम करती हैं। कहती हैं कि ख़िताब नहायत हौसला अफसा महसूस हुआ। एक बात जो मेरे लिए भी नहायत अहम है और मुझे कभी भूलेगी नहीं, वो ये थी कि तमाम अहमदियों को अपने माहौल के लिए मुफीद वजूद बनना चाहिए। इस बात पर सिर्फ अहमदियों को ही नहीं बल्कि सब को अमल करना चाहिए। अगर तमाम मुसलमान फ़िरके आप अहमदियों की तरह हो, ओपन माइंडेड होते, तो हमारा आपस में मिलजुल कर रहना बहुत आसान हो जाता। यहाँ ये भी वादे कर दूँ कि बेशक हम मिलजुल के तो रहते हैं, लेकिन बाज़ लोग बाज़ दफ़ा मदानत का इजहार कर देते हैं। इसलिए अपनी तालीम के अंदर रहते हुए और के रहते हुए आप साथ बात करें और उसी अखलाक के दायरे में रहते हुए आराम से तालीम बताई भी जा सकती है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आला अखलाक का मुजाहरा करते हुए इस्लाम की तालीम को वादे किया जाए। बहरहाल अब अगले मेहमान का ज़िक्र करता हूँ। ये स्कूल में उस्ताद हैं, कहते हैं कि मुझे यहाँ पहली बार जमात का तारफ़ हुआ और बड़ा अच्छा इंतज़ाम था। ये बात मुझे बड़ी अहम लगी है जो खलीफा ने बयान की है कि रवादारी पर ज़ोर दिया जाए और दूसरे मज़हब के लोगों और इसी तरह तमाम इंसानों के साथ प्यार से पेश आया जाए। ये आजकल के माशरे में बहुत ही कम हो गया है और दूसरे मज़हब इस बात को भूलते जा रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको अहमियत देते हैं। अब मैंने आप लोगों की मस्जिद में ज़रूर जाना है और मेरे सारे जो सवालात पैदा हो रहे हैं मेरे जहन में, उनको हल करवाना है। एक मुकामी अस्पताल के डॉक्टर हैं, कहते हैं कि मजहबी हलकों से अगर ऐसी तालीम मिले जिसका इजहार आज इमाम जमात अहमदिया की तकरीर से हुआ है, तो माशरे में इंसानी कदरों का एहतराम कायम हो सकता है। चर्च को भी ऐसा नुक्ता नज़र आम करना होगा। अभी चर्च बहुत से सवालों से आंखें चुराता है। सही हैं, कहते हैं अभी चर्च बहुत से सवालों से आंखें चुराता है, जबकि इमाम जमात अहमदिया ने हर मुमकिन सवाल और एतराज़ को लेकर कई ज़ावियों से उसके जवाबात दिए और बेखौफ होकर इस्लाम के नुक्ता नज़र की वजाहत की। फिर कहते हैं कि खुशी की बात यह है कि उनकी हर वजाहत और तशरीह इंसानी माशरे को अमन, सुलह और मोहब्बत की तरफ ले जाने वाली है। फिर एक मेहमान खातून हैं, हाई ब्रदर साहिबा, कहती हैं कि आपने बताया कि सारी दुनिया का रब है खुदा जो रब्बुल आलमीन है, और ये ऐसा वसी तस्वुर है खुदा का जो है जो मेरे लिए बहुत दिलचस्पी का बायस था। और हैरतअंगेज़ बात यह है कि खुदा एक और वाहिद होते हुए भी सब मज़ाहब और सारे इंसानों और कौमों का खुदा है और सबको बिला इम्तियाज़ पालता है, हर गौर करने वाले और अक्लमंद को तौहीद को माने बगैर चारा ही नहीं है। और ये ज़रूरी है उनके लिए कि वाहिद और यगाना खुदा को माने और जो सब ताकतों का मालिक है। और हर अहमदी की ज़िम्मेदारी बनती है कि ये तौहीद का पैगाम जो है हर एक तक पहुँचाएँ। एक ख़ातून बावर साहिबा कहती हैं कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ का बायस है कि मैं एक ऐसी बाबरकत महफ़िल में शामिल हो सकी। बहुत बाज़ तहफ़ुज़ात और गलतफहमियाँ जो मेरे जहन में थीं वह इमाम जमात अहमदिया ने अपने वाज़ेह मौक़िफ़ और इस्लामी तालीम की हकीकी तशरीह और तफसील से दूर कर दी हैं। अब मेरे लिए बहुत कुछ वाज़ेह हो चुका है। एक मेहमान कहते हैं कि अमन कायम करने के लिए सबसे अहम बात जो बयान की गई वो ये है कि दूसरों की अक़दार को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। मुझे इस बात का इल्म तो था कि इस्लाम में मुख्तलिफ़ फ़िरक़े होते हैं, लेकिन इस जमात का बहरहाल नहीं पता था जो इतनी अमन पसंद हो। फिर एक मेहमान हैं मुख्तारी साहब जो कि वीज़बादन की पुलिस में काम करते हैं, कहते हैं कि आज का प्रोग्राम ये वादे कर रहा था कि मुसलमान अपनी एक और तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं कि इस्लाम हकीकत में एक अमन पसंद मज़हब है। खलीफा ने जो ज़िक्र किया कि अफ्रीका में भी आप लोग मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स काम करवाते हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर फुल्डा में मस्जिद बैतुल हमीद का इफ्ताह हुआ। इस तकरीब में भी 330 मेहमान शामिल हुए और वहाँ के और लॉर्ड मेयर तो आए थे, लेकिन लॉर्ड मेयर सिर्फ बाहर इस्तकबाल करके चले गए थे। दूसरे इलाकों के मेयर साहिबान भी आए थे, कौंसिल के मेम्बरान और साबका मेंबर पार्लियामेंट और मुख्तलिफ़ पार्टियों के चेयरमैन भी थे। और राउंड टेबल वहाँ की एक है रिलीजियस कॉन्फ्रेंस है, एक कमेटी है राउंड टेबल, उसके चेयरमैन भी आए हुए थे। फुल्डा जो है यहाँ अमूमन मुसलमानों के ख़िलाफ़ काफ़ी तहफ़ुज़ात पाए जाते हैं, बल्कि मुखालफत है और पुराना ईसाईयत का एक गढ़ है ये, और अपनी रवायात को कायम रखने वाला शहर है। कम से कम चर्च ये चाहता है कि रवायात को कायम रखें, लेकिन लोग तो अब ईसाइयों से बहुत दूर हटते जा रहे हैं वहाँ भी। बहरहाल उनके खौफ की वजह से चर्च के नुमाइंदे तो सारे नहीं आए और बाज़ सियासतदान भी नहीं आए। इसी तरह लॉर्ड मेयर भी उन्होंने यही कहा कि मैं तकरीर नहीं करूँगा, आके इस्तकबाल कर लूँगा, बैठे रहे, लेकिन बहरहाल स्टेज पर नहीं बैठे इस खौफ से कि लोग मुखालफत करेंगे। वहाँ जो मेहमान आए थे उनके बाज़ तासुरात हैं। कहते हैं एक साहब हारल्ड साहब के जो मैंने इन्होंने बताया अपनी तकरीर में कि हम सब लोग जो कदर मुश्तरक है उस पर इकट्ठे होना चाहिए और इसी की वजह से बाहमी जुगानगत और ग्लोबल अमन की बुनियाद पड़ेगी। और ये कहते हैं ये तरीक़ा जो बताया गया है ये तर्ज़ अमल दुनिया के मौजूदा हालात में इंतहाई के काबिल अमल लगता है और इसी की इस वक्त दुनिया को ज़रूरत है। फिर कहते हैं कि मैं जान चुका हूँ कि इससे कबल जो तारफ़ हमें इस्लामी तालीमात के बारे में था वो इस्लाम की दुरुस्त तस्वीर पेश नहीं करता, इसलिए आज की शाम मेरे लिए एक मुस्बत और पुरअमन पैगाम लाई है। एक मेहमान हैं वहाँ के और मुकामी स्कूल में के टीचर हैं, कहते हैं कि ये तकरीर जो है ये स्कूल में तलबा को सुनवा कर पूछना चाहिए कि आप इससे क्या समझे और आपके ख़्याल में ये खूबसूरत तालीम किस मज़हब की हो सकती है। कहते हैं कम अज़ कम मुझे तो आप इसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर मुहैया करें ताकि मैं अपने स्कूल के तलबा को के सामने इस शाम की कैफियत शेयर कर सकूं। एक शहर, साथ वाले शहर के मेयर थे, वो कहते हैं कि इमाम जमात अहमदिया ने दो तरफ़ा तहफ़ुज़ात ताल्लुकात का मुआजना भी पेश किया और मुआशरे के तबक़ात में मौजूद बाहमी कशमकश के असबाब भी खोल कर बताए और खुले लफ्ज़ों में उन अवामल की निशानदेही भी कर दी जो मुआशरे का अमन बर्बाद करते हैं, मगर इसके बावजूद किसी तबके या फ़िरके या ग्रोह की इज़्ज़त नफ्स पर कोई सख्त बात नहीं की, बल्कि इज्तमाही इंसानी ज़मीर और बैनुल अक़वामी इंसानी कदरों के हवाले से फूड फॉर थाट के रंग में बात करते गए। डॉक्टर कोलर हैं वहाँ की, ये कहती हैं कि मुझे इस बात ने बड़ा मुतासर किया है कि आप लोग कितने खुले दिल के हैं और यही ख़ूबी है जिसकी वो आपके खलीफा तलकीन कर रहे थे कि इंसानी कदरों के क़याम के लिए अपने दिलों को खोलना पड़ेगा और तहफ़ुज़ात दूर करने होंगे। फिर कहती हैं कि मैं भी अपने अस्पताल में कोशिश करती हूँ कि बैनुल मज़ाहब हम आहंगी बढ़े और लोगों की रूहानियत से सुकून हासिल हो। यही सुकून और अमन मुझे आज की तकरीब में देखने को मिला है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ शामिल होने का मौका मिला। फिर बर्लिन में जिस तकरीब का मैंने जिक्र किया था, यहाँ इस्लाम एंड यूरोप के मौजू पर था खिताब, या सिविलाइजेशन और कल्चर का मुआजना। इसमें 27 मेंबरान कौमी असम्बली, दफ्तर ख़ारजा के 3 नुमाइंदे जिनमें मजहब और सियासत के डायरेक्टर्स भी शामिल थे, 5 प्रोफेसर जिन्हें बर्लिन यूनिवर्सिटी की नायब सदर और जर्मनी में मशरक़ी वस्ती पर इस वक्त सनत पाए जाने वाले प्रोफेसर स्टाइनबाख शामिल थे, और इसके अलावा US से और फ्रांस के एम्बेसीज़ के पॉलिटिकल अफसर्स, मुख्तलिफ़ हुकूमत के नुमाइंदे, मुख्तलिफ़ मज़ाहब और चर्चेज़ और कम्यूनिटीज़ के नुमाइंदे थे, प्रेस और मीडिया के नुमाइंदे भी थे और एमनेस्टी इंटरनेशनल के नुमाइंदे भी थे। एलेक्जेंडर साहब जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, कहते हैं कि जिस अमन और पैगाम सलामती का आपने पैगाम दिया है, इसका माखज़ कुरान था और अपने मौक़िफ़ की तायद कुरान और बानी इस्लाम की फरमुदात से की। अगरचे ये मौजू जदीद था और असरी तकाज़ों से हम आहंग था, लेकिन खलीफा ने अपने मौक़िफ़ को कदीम इस्लामी माखज़ से सपोर्ट करके साबित किया कि इस्लाम और कुरान ने मज़हब की बुनियाद रोज़े अव्वल से ही इंसानी हमदर्दी और अमन व सलामती की तालीम पर रखी है। मेरे ख़्याल में इस ख़िताब का उसी पैमाने पर तशहीर होनी चाहिए ताकि मग़रिब में इस्लाम के बारे में हकीकी तालीम से आम लोगों को भी वाक़फ़ियत हो। फिर नेल एनन साहब जो वफ़ाक़ी वज़ीर मुमलिकत हैं, कहते हैं कि जिस वज़ाहत, तफसील और तज्ज़ियाती मुवाज़ने के साथ इमाम जमात अहमदिया ने इस्लाम, अहमदियत और बहसीत मजमूई मज़हब का तारुफ़ और माशरती किरदार वादे किया है, इसको समझने के बाद मैं महसूस करता हूँ कि जमात अहमदिया के इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाना किसी मज़हब फ़िरके की मदद नहीं, बल्कि इज्तमाही और आलमी तौर पर इंसानी कदरों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश होगी। फिर क्रिस्टोफर स्ट्रॉक साहब हैं, कहते हैं मैंने ज़िंदगी में शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम देखा हो या इसमें शामिल हुआ हूँ कि जिसको मुसलमानों ने मुनक़िद किया हो और उसकी मजमूई फ़ज़ा ऐसी पुरसकून और इसमें होने वाली गुफ्तगू इतनी जामे और मुदल्लल हो। मुझे खुशी हुई कि किसी की नज़र तो ज़ाहरी तहज़ीब और तमद्दुन और मुआशरती तरक्की के अंदर छुपे हुए इख्तिलाफ़ात को देख सकती है। कहते हैं कि इसमें आपने खुलकर इंसानियत के सर पर मंडराने वाली एटमी जंग के ख़तरे से खुले अल्फाज में भी ख़बरदार किया। फिर क्रिस्टन बुशल साहब हैं जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, कहते हैं कि इमाम जमात अहमदिया ने हालात हाजरा की नब्ज़ को बिल्कुल सही तौर पर महसूस किया और चूँकि उनकी तशख़ीस दुरुस्त है, इसलिए उनके तजवीज़ करदा इलाज में मुआशरती बदअमनी का तेरपा इलाज है। रिकॉल मेंबर पार्लियामेंट हैं खातून ज़ाकिलीन साहिबा, कहती हैं कि इमाम जमात अहमदिया ने अपने मौक़िफ़ तमाम ज़ावियों से वाज़े किया और कोई भाम नहीं रहने दिया। कहती हैं मुझे इस लफ्ज़ से इत्तेफाक है। एक प्रोफेसर हर्बर्ट हैटन कहते हैं कि जमात को तालीमी मैदान में नुमायाँ करके जमात अहमदिया को दीगर मजहबी जमातों से मुमताज़ मुकाम पर खड़ा कर दिया आप लोगों ने। जिस जमात के अफराद तालीम पर इतना तवज्जो देंगे, उनकी मंजिल ही यह है कि वे क़यादत करें, ना कि अंधी तकलीद। फिर एक मेंबर पार्लियामेंट है एक्सल साहब, कहते हैं इस खिताब को जाकर दोबारा पढ़ूँगा और जहाँ तक मेरी रसाई होगी इसको आगे भी बयान करूँगा। फिर सबीन लेडी साहिबा हैं, कहती हैं मेरा ताल्लुक़ ख़ुद तो किसी मज़हब से भी नहीं है, लेकिन बहसीत एक मजहबी सरबरा इमाम जमात अहमदिया ने आने वाली नस्ल इंसानी के दर्द को जिस तरह कबल अज़ वक्त महसूस करके आज की लीडरशिप को ख़बरदार किया है, इसका मेरे दिल पर गहरा असर है और मेरी ख्वाहिश है कि पैगाम आम हो ताकि इंसानों का इज्तिमाई शऊर इस बारे में बेदार हो सके और अगली नस्लों की ज़िम्मेदारी का इदराक हो सके। फिर प्रोफेसर क्रिस्टोफ वोल्टमैन साहब हैं, कहते हैं कि प्रोग्राम बहुत पसंद आया मुझे और ख़िताब से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत से कुरान के हवाला जात मैंने साथ साथ नोट भी किए हैं जिनका जिक्र किया गया था तकरीर में। अब मैं उन्हें घर जाकर ज़रूर दोबारा पढ़ूँगा। फिर एक ईसाई मेहमान हैं, कहते हैं कि इससे कबल मैंने कभी भी ये नहीं सुना था कि इस्लाम अमन का को इतनी अहमियत देता है और अमन कायम करना चाहता है। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई है कि इमाम जमात का ख़िताब आज मुख्तलिफ़ सियासी पार्टीज़ के नुमाइंदगान ने सुना है। इसी तरह यहूदी रबाई और दूसरे मुसलमान फ़िरक़ों के लोगों ने भी मुझे यहाँ नजर आए हैं। फिर एक मेहमान बयान करते हैं कि ख़िताब में हर एक फ़र्द को उसकी ज़िम्मेदारी की तरफ तवज्जो दिलाई कि किस तरह से अमन कायम किया जा सकता है। बहुत आसान अल्फाज में वाज़े कर दिया कि सब इंसानों को अमन और प्यार से इकट्ठा रहना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये बात है कि एक दूसरे का एहतराम किया जाए। ये बात भी उन्होंने बयान की कि दुनिया में हर चीज़ काफ़ी मकदार में मौजूद है और सब के लिए काफ़ी है अगर इसको सही तरह इस्तेमाल किया जाए। फिर एक मेहमान कहते हैं कि बहुत सी बातों की तरफ तवज्जो दिलाई आपने। सबसे पहले जिस बात का ज़िक्र किया वो ये थी कि आजकल के माशरे में मज़हब को अहमियत नहीं दी जाती और मज़हब के मनफ़ी नज़र से देखा जाता है। ये बात कहते हैं कि हमें बतौर ईसाई भी महसूस होती है। इसके अलावा जो बात मुझे खलीफा के ख़िताब में बहुत अहम लगी वो तालीम और तरबियत की अहमियत है। इस हवाले से तो अहमदिया मुस्लिम जमात वैसे ही एक नमूना है, क्योंकि जब इंसानों को इल्म हो कि उनकी मुक़द्दस किताब क्या तालीम देती है तो बहुत सी मुश्किलात से हम आज बचे रह सकते हैं। बस ये आज अहमदी नौजवानों की भी ज़िम्मेदारी है कि ख़ास तौर पर कुरान करीम को पढ़ें, समझें, ताकि इनको समझाया जाए और ये लोग फिर मजबूर होंगे कि इस पर गौर करें और इसकी हिकमत को समझें, इस तालीम पर अमल करें या इस तालीम को मानें। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल के तर्जुमान थे, कहते हैं कि मुझे जो बातें की गई हैं सुनकर दिल को बहुत इत्मीनान महसूस हुआ और अपने दूसरे खलीफा के हवाले से जो इन्होंने तहज़ीब और कल्चर की तारीफ़ बयान की थी, दोनों का बाहमी ताल्लुक़ बताया। इससे जदीद दौर के अहले दानिश इनकार नहीं कर सकते। कहते हैं कि खलीफा ने कुरानी आयात की बड़े आसन रंग में वजाहत की है। ये वही आयात हैं जो इस्लाम से मुतनफ़र लोग सियाक़ व सबाक़ से हट कर पेश करते हैं। फिर एक ख़ातून है नाउंदी साहिबा, कहती हैं इस ख़िताब की यूरोप में वसी पैमाने पर इशाअत होने से इस्लाम के बारे में पाए जाने वाले तहफ़ुज़ात दूर होंगे और यकतरफा तौर पर पाए जाने वाले मनफी तसरात का इजाला हो सकेगा। फिर मस्जिद मेहदीआबाद का अफ्तिताह था, इसमें भी जर्मनी की नेशनल पार्लियामेंट के मेंबर थे, इलाके के लॉर्ड मेयर, सूबाई असम्बली के मेंबर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली के, इलाके के 5 मेयर्स, 5 डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्स के चेयरमैन और इस तकरीबन 170 मेहमान शामिल हुए। एक मेहमान जो वाइस मेयर हैं कहते हैं कि मैं वापस जाकर ज़रूर खलीफा की बातों को फैलाऊंगी, क्या ख़ातून है ये, और जब भी कोई इस्लाम पर एतराज़ करेगा तो मैं खलीफा वक्त के इरशाद को पेश करते हुए इस्लाम का दिफा करने की कोशिश करूँगी। आज हम मेहमानों से मुखातब नहीं हुए हो आप, बल्कि अपनी जमात के अफराद को भी इस तरह तवज्जो दिलाई कि आप लोगों ने मस्जिद के बनने के बाद पहले से बढ़कर इंसानियत की खिदमत करनी है। फिर एक खातून हैं अंजलिका साहिबा, कहती हैं इस खिताब से मुझे ये सबक हासिल हुआ है कि हमें इस बारे में गौर करना चाहिए कि हमारा रोज़मर्रा का दूसरों से रवैया कैसा है, हमें दोस्तों और गैरों की मदद करनी चाहिए। फिर एक मेहमान कहते हैं कि बड़ा अच्छा यहाँ लगा आना, इस्लाम के बारे में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए और जिस तरह रवादारी का पहलू बयान किया है वो सब तमाम मज़ाहब के लिए अहमियत का हामिल है। फिर एक मेहमान है उल साहब जो कंसल्टेंट हैं मिनिस्टर प्रेसिडेंट के, कंसल्ट ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, कहते हैं कि ख़िताब में मुझे नायत जो बात उम्दा लगी वो ये थी कि अपने ऐसे पहलू बयान किए जो तमाम मज़हब में इत्तेहाद पैदा करने वाले हैं। मैं तो एक ईसाई चर्च का मेंबर हूँ और बावजूद इसके कि हमारे इबादत के तरीक़े और आपके मज़हब में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका आपस में इख्तिलाफ़ होगा, लेकिन फिर भी इमाम जमात ने ऐसे पहलू बयान किए जिनकी हर कोई तायद कर सकता है। मेरा तो ये ईमान है कि हम सब का एक ही खुदा है, सिर्फ़ इबादत का तरीक़ मुख्तलिफ है। चलो इतना तो कम अज़ कम करीब आने शुरू हो गए। बैटिक साहब थे मेहमान, कहते हैं अपने ख़िताब में औरत के मुकाम को बहुत अच्छे रंग में बयान किया है और इससे इस्लाम में औरत का मुकाम और माशरे में औरत की तकरीम ज़ाहिर होती है। अल्लाह ताला करे कि इन लोगों को के सीने इस्लाम की हकीकी तालीम के समझने के लिए भी खुल जाएं और इसे कबूल करने वाले भी हों और हकीकी तौहीद को मानने वाले भी हों और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे आने वाले हों। यही इनकी बका है, वरना यह जो इनका ख्याल है कि आर्जी दुनियावी तरक्कियाँ इनकी बका है, ये इनकी बका की कोई ज़मानत नहीं। मीडिया के बारे में भी कुछ बात बता दूँ कि हॉलैंड में 2 मीडिया चैनल्स और RTV, नॉन स्पिट और यूरो टाइम्स रिपोर्टें नशर हुईं, 75 रात तक पहुँची। बैतुल्लाफियत अलमीरे की TV चैनल पर रिपोर्ट नशर हुई, 15 लाख अफराद से तक पहुँची, पहली 75,000 अफराद तक थी। सोशल मीडिया के ज़रिए भी हज़ारों में पहुँची। हॉलैंड के दौरान मीडिया के ज़रिए इनका ख्याल है कि 16 लाख अफराद तक, जिसमें ज़्यादातर अलमीरे मस्जिद का कवरेज थी जो नेशनल TV ने इनकी दी थी। फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है नेशनल एजेंसी, उन्होंने यूनेस्को के वाले ख़िताब के हवाले से एक आर्टिकल शाया किया और इस आर्टिकल के आखिर में लिखने वाले ने इस बात पर हैरानी का जिक्र किया कि खलीफा ने अहमदियों के मुज़ालम को कोई बात नहीं की। फिर स्ट्रासबर्ग में मस्जिद महदी के इफ्तिताह के हवाले से DNA में खबर शाया हुई, रेडियो चैनल पर रिपोर्ट आई और इस तरह ये आउटलेट्स के ज़रिए भी कई मिलियन अफराद तक ये खबर पहुँची। जर्मनी में विस्बादन और फुल्डा और बर्लिन और मेहदीआबाद के जो फंक्शन हुए हैं उनमें तकरीबन इनका ख्याल है कि मजमूई जायज़े के मुताबिक कुल 13 अखबारात में, 4 TV चैनल्स पर, एक रेडियो चैनल पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 12 रिपोर्ट शाया हुई हैं और इनके ख्याल में रिपोर्ट देने वाले के ख्याल जो ख़ारजा सेक्रेटरी हैं उनके ख्याल है कि 49 मिलियन तक ये पैगाम इस मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए से पहुँचा है। इस तरह रिव्यू और रिलीजन ने भी अपने ज़रिए से तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों तक पैगाम पहुँचाया। अल्लाह करे कि पैगाम जैसे पहले मैंने कहा लोगों को समझने का भी बायस बने। नमाज़ों के बाद मैं एक जनाजा गायब भी पढ़ाऊँगा जो मुकर्रम मौलवी महमूद अहमद साहब वो सिलसिला पालघाट्स केरला इंडिया का है। 54 साल की उम्र में 15 अक्टूबर को मेरी वफ़ात हुई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनके ख़ानदान में अहमदियत इनके वालिद मुकर्रम मौलवी के मोहम्मद अलवी साहब के ज़रिए आई थी जो कि गैर अहमदियों के मरूफ आलिम थे। कबूल अहमदियत की वजह से उन्हें शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। इनके ज़रिए सूबा केरला में सैकड़ों अफराद को कबूल अहमदियत की तौफीक हासिल हुई। मरहूम मौलवी के महमूद अहमद साहब ने अपने वालिद की नसीहत पर कॉलेज की तालीम तर्क करके जामिया अहमदिया में दाखिला लिया था और 1988 में जामिया पास किया। मरहूम एक बहुत बड़े आलिम थे, मुत्तकी थे, सौम सलात के पाबंद, ताजुज़गुज़ार, दुआगो, गरीब परवर, साबर और शाकिर मुखलिस इंसान थे। कुरान करीम, हदीस, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की और खुलफ़ाए-ए-किराम की कुतुब का गहरा मुतालिया था। अरबी, उर्दू, मलयालम और तामिल ज़बानों पर भी काफ़ी अबूर था। मरहूम के पास अपनी ज़ाती लाइब्रेरी थी, बेशुमार इसमें नायाब किताबें थीं। सूबा केरला, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और बैरून मुल्क कुवैत में इनको खिदमत की तौफीक मिली। एक अच्छे मुकर्रर और मनाज़र भी थे। खलीफत मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला के इरशाद पर 1994 में इनको मोहतरम मौलाना दोस्त मुसब शाहिद और हाफिज़ मुजफ़र अहमद साहब के साथ जमात के एक शदीद मुखालिफ मौलवी के साथ मुनाजरे की भी तौफीक मिली। मरहूम मूसी थे। पसमानदान में 2 बीवियाँ और 3 बेटियाँ शामिल हैं। 2 दामाद अल्लाह ताला के फज़ल से वाक़फ़ी ज़िंदगी हैं। दामाद इनके एक लिखते हैं कि जामिया के आखिरी साल की छुट्टियों में अपने वालिद साहब की हिदायत पर घर नहीं गए बल्कि 2 माह खालिस हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कुतुब का मुताला करने के लिए वक़्फ़ कर दिया। जामिया के तलबा के लिए बड़ा सब इसमें एक नमूना है। हिंदुस्तान के सूबा केरला से अहमदियत को मिटाने के लिए वहाँ के तमाम गैर अहमदी मुसलमान फ़िरक़ों ने मुतहद होकर एक अंजुमन बनाई जिसको अंजुमन इशाअत इस्लाम नाम रखा। एक तंजीम थी। इस तंजीम ने मुसलसल केरला के तूर अर्ज़ में जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तारीख़ात पर एतराज़ करते हुए जलसे मुनक़द किए। इसके जवाब में जगह जगह पर जमात ने जो जलसे किए वो मरहूम की ही क़ियादत में हुए। 1998 में और 2015 में अंजुमन इशाअत इस्लाम के साथ जमात के तारीख़ी मुनाज़रे हुए जिसमें मौसूफ़ को बतौर मनाज़र ख़िदमत पर जलाने की तौफ़ीक मिली। अलावा अज़ीम अहले कुरान और अहले हदीस के साथ भी महज़ अल्लाह ताला के फज़ल से आपने कामयाब मुबाहसात करने की सादत पाई। मरहूम सौम सलात के पाबंद थे। छोटी उम्र में ही तहज्जुद पढ़ने के आदी थे। कहते हैं इनके दामाद लिखते हैं कि लड़कपन का एक वाक़या बयान किया जाता है। एक दफ़ा मरहूम नमाज़ तहज्जुद अदा नहीं कर सके जिस पर उनके वालिद साहब ने कहा कि बेटा क्या आप नहीं चाहते कि आपको मुकाम महमूद मिले। इस दिन से आपने उस नसीहत को पल्ले बांध लिया और उम्र भर इस पर अमल दरामद किया हत्ता कि बीमारी और अशद कमज़ोरी की हालत में भी इस पर कायम रहे। खिलाफत के साथ वालिहाना मोहब्बत और अक़ीदत थी और अखलास का गहरा ताल्लुक़ था। तालीमी, तरबियती, तबलीगी नशिस्त में बड़ा हिस्सा खिलाफत के लिए मखसूस होता था। उसी मौजू पर बात करते थे और इस मौजू पर बात करते हुए अक्सर जज्बाती हो जाया करते थे। 2015 में एक खातून अपने बच्चों के साथ अहमदी हुई। उनके खामन बैरून मुल्क थे। जब वो आए तो उनसे तबलीग इन्होंने की। उन्होंने एक सवाल किया कि खिलाफत को मानने की ज़रूरत क्या है और इस पर मरहूम ने मनसब खिलाफत और खिलाफत की अहमियत की बरक़ात के बारे में इतने जज्बाती अंदाज में बातें की कि इनकी आँखें अशबार हो गईं और जिसका उस गैर जमात पर भी ऐसा असर हुआ कि फ़ौरन उन्होंने बाकी बातें तो थी इस बात को सुनते ही उन्होंने भी बैत कर ली। हकीकत में वो खिलाफत के सुल्तान नसीर थे। अल्लाह ताला इनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक फ़रमाए, इनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और इनकी औलाद को भी इनकी नेकियां जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.